जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अभी एक वीडियो चल रही है मार्केट के हवाले से, मैं ज़रा उसमें अपनी क्लेरिफिकेशन दे दूँ। शाम 6 बजे के तकरीबन, लगभग 6 बजे से पहले मेरे बेटा जो इंग्लैंड में रहता है वो यहाँ आया हुआ है पाकिस्तान, वो मोबाइल मार्केट में गया मोल अपना फ़ोन लेने के लिए। कुछ तो फ़ोन ख़रीदा उसने 3 दिन पहले, और उस फ़ोन के बाद वो फ़ोन ख़राब दिया उसने, और ये बोल के दिया कि ये PTA अप्रूव है। वो PTA अप्रूव नहीं था, फ़ोन बंद हो गया। उसके बाद उसमें कोई दूसरी प्रॉब्लम आ गई, फिर वो दोबारा गया, दोबारा गया। 3 दफ़ा जाने के बाद उसने मुझसे कहा कि जी वो आप मेरे साथ चलो। मैं उसके साथ गया, जाके हमने उसको मामले को हल करने की कोशिश की कि जी ये इस मामले को ज़रा ख़त्म करा। उसको मैंने कहा कि भाई आप अपना फ़ोन वापस ले लो और पैसे रिफ़ंड कर दो। तो उसी बातों में जनाब उसने मुझे गाली दी। गाली देने के बाद वो मामला बढ़ गया आगे। अब उसके बाद क्या हुआ कि मुझे पीछे से 5 लोगों ने मुझे मारना शुरू किया। मुझे मारा, मेरे बेटे को मारा। तो एक बाप होने के नाते एक कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसके बेटे को कम मारा। तो उसको मारा गया। उसके बाद मेरे साथ गन में एक गनमैन था जो मेरे बेटे के साथ होता है, क्योंकि सिंध पुलिस ने मुझे सिक्योरिटी नहीं दी हुई है। अगर सिंध पुलिस सिक्योरिटी दे रही होती तो शायद ये वाकया पेश नहीं आता और ये मामला भी नहीं होता। तो उसके बाद ये हुआ कि जनाब वो मारपीट शुरू हो गई वहाँ पर। तो इतने इस रस्ते में मेरा जो गार्ड है, उस गार्ड ने उसने गन उठा ली कि जी ये नहीं करो, वो नहीं करो, और जो है ना मैं ये कर दूंगा। जाहिर सी बात है, बचाव के लिए अपने जिसके पास काम करता है उसके साथ खड़ा होगा, वो गार्ड होता है। इसीलिए ये थोड़ी होता गार्ड गन लेके खड़ा रहे। तो उस वो मामला जो है ना, फिर उन्होंने क्या किया, दुकान से बाहर निकला। तो मुझे, मेरे गार्ड को और मेरे बेटे को, और मेरे बेटे का दोस्त था उसको, हम 4 लोगों को तकरीबन कुछ 100 लोगों ने मारा है, और बुरी तरह मारा, जिसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये सखावत है, ये देखिए इसकी आँख, इसके आँख के साथ क्या हुआ। इसकी, इसको एक आँख से नज़र नहीं आ रहा अभी, और दूसरा आँख भी इसका डैमेज है। इसके कपड़े फट गए, और कहाँ चोट लगी आपकी, इसके नाक की हड्डी, नाक की हड्डी भी चोट लगी, इसका अंदरूनी चोट लगी है। उसके बाद ये मेरा बेटा, इसकी हालत देखें क्या है। मेरे बेटे को ये देखें आप, ये मेरे बेटे को मारा इस तरह से, ये देखें इसको काटा, इसके दाँत के निशान हैं, ये देखें इसके दाँत के निशान हैं पूरे। और इस तरह से एक MNA को, उसकी फैमिली को तकरीबन 70 से 80 लोगों ने वहाँ पर मारा, और मार के लोग इंजॉय कर रहे थे कि मारो। उसके बाद पुलिस को मैंने फ़ोन किया, पुलिस नहीं पहुँची टाइम से। बाद में पुलिस पहुँची, उन्होंने आके कंट्रोल किया, FIR कट गई उसकी। मैं सिंध गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि इसका मेरे साथ जो ज्यादती हुई है वो उनको कैफरी के ताबे पहुँचाएगा। बहुत शुक्रिया।